Bismillah Rahman Rahim. Welcome to the online learning channel. In today's lecture we shall be discussing some topics related to reptiles. This is lesson number five of chapter reptiles. In today's lesson, we shall take on discussion about external structure in reptiles. दे आर एडाप्टशंस एंड मूवमेंट एज़ वेल एज सफर्ट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जो सबसे अहम बात यह है कि रेप्टाइल्स की स्किन काफ़ी ड्राई होती है क्योंकि ये बात पहले भी गुजर चुकी है रेप्टाइल्स के स्किन में किसी किस्म के ग्लैंड नहीं पाए जाते और म्यूकस ग्लैंड भी एबसेंट होते हैं लेकिन ये पॉइंट मुझसे मिस हो गया है कि कुछ म्यूकस ग्लैंड रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं स्किन के ऊपर जो कि फिरमोन्स वगैरह रिलीज करते हैं इसके अलावा स्किन में दो बेसिक लेयर्स हैं आउटर लेयर को एपिडर्मिस जबकि नीचे वाले लेयर को डर्मिस कहते हैं और इनकी स्किन को स्ट्रेंथ मिलता है कैरेटीन प्रोटीन से रेप्टाइल्स जैसे कि स्नैक्स में वेंट्रल स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होती है इस और ग्राउंड फ्रिक्शन के साथ जख़्मी नहीं होती इस फिगर को गौर से देख लें इस फिगर में दिखाए गए स्केल्स, एपिडर्मल स्केल्स कहलाते हैं जो कि ज़्यादातर स्नैक्स में प्रेजेंट होते हैं रेप्टाइल्स की स्किन डिफरेंट कलर्स की होती है और स्किन की पिगमेंटेशन क्रोमेटोफोर्स वग़ैरह की वजह से होती है इसकी इनके स्किन की वजह से इसका बॉडी टेम्परेचर भी अप एंड डाउन हो सकता है जिन रेप्टाइल्स का कलर डार्क हो वो ज़्यादा हीट एब्ज़ॉर्ब करते हैं एनवायरनमेंट से सबसे एक अहम तरीन कैरेक्टरिस्टिक रेप्टाइल्स की ये है कि ओल्ड स्किन एक प्रोसेस से रिमूव होती है जिसको कहते हैं एक्डाइसिस एक ऐसा एक एक प्रोसेस है जिसमें पुरानी स्किन डिटैच हो जाती है और उसको एक कमीज की तरह उतार दिया जाता है इस प्रोसेस में एक हार्मोन जिसका नाम एक्डायोसोन है रिलीज होता है और एक्डाइसिस में बनने वाली नई और पुरानी लेयर के बीच में लिम्फ जमा हो जाता है इस लिम्फ की बदौलत पुरानी स्किन नई स्किन से डिटेच होकर निकल जाती है स्नैक्स में देखा गया है कि सारी की सारी स्किन एक ही पीस में निकाल दी जाती है जबकि लिजर्ड्स में इस तरह नहीं होता स्किन छोटे छोटे पीसेस में बॉडी से डिटेच होती है बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आउटर सेल्स रेप्टाइल्स में डेड हो जाते हैं आ, स्किन के आउटर सेल्स डेड हो जाते हैं इसकी वजह यह है कि इन सेल्स को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती दूसरी अहम बात यह कि रेप्टाइल्स की जो स्किन है उससे ख़ास किस्म के वह, केमिकल सिग्नल्स जिनको फिरमोम्स कहते हैं खारिज होते हैं और इनका फंक्शन ये है कि सेक्स रिकग्निशन यानी कि पेयर बनाने में बहुत हेल्प करते हैं टर्टल्स और टोर्टसिस के बारे में ये बात पहले भी गुजर चुकी है कि इनकी बॉडी की अहम तरीन खूसियत और एक्सटर्नल फीचर ये है कि इसके ऊपर एक हार्ड शेल होती है और ये शेल बेसिकली टू पीसिस में कैरापेस और प्लास्ट्रॉन पर मुश्तमिल होती है और इसकी एवोलूशन या इसकी डेवलपमेंट कुछ स्पेसिफिक बोन से होती है यहां से हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड है सपोर्ट के बारे में सपोर्ट का बेसिक मतलब स्केलेटन से होता है रेप्टाइल्स में पाए जाने वाला स्केलेटन काफी स्ट्रांग है और उसके बोन्स भी काफी मजबूत हैं इसके अलावा रेप्टाइल के स्कल में माउथ के ऊपर एक और बोन है जिसको सेकेंडरी पैलेट कहा जाता है ये बोन नोज और माउथ के कैविटी को सेपरेट करके नेजल और बकल केविटी बना देता है इसके अलावा अगर आप देख लें तो रेप्टाइल्स की जो मुंह होता है उसका काफी ज्यादा लंबा होता है जिसको लॉन्ग स्नाउट कहा जाता है रेप्टाइल्स में चूंकि सूंघने की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है इस वजह से लॉन्ग स्नाउट के टिप पे जो नोस्ट्रल्स हैं जो नोज है वो सेंस को या स्मेल को महसूस करने में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकते हैं रेप्टाइल्स की अगर नेक की बात की जाए तो इसके नेक में सर्वेकल वर्टिब्री होते हैं जिनकी तादाद ज़्यादा है इस वजह से इसकी नेक में मोबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू दी एम्फिबियंस ये सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर जो कि जनरल डिस्कशन में भी गुजर चुका है रेप्टाइल्स के स्कल में आखिर में एक बोन है जिसको ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कहते हैं और ये सिंगल है इसका फंक्शन ये है कि ये स्कल को नेक के साथ कनेक्ट सपोर्ट में आगे चलते हैं और बात करते हैं बैकबोन के हवाले से स्नेक्स और क्लासिफिकेशन सरपिनटीस में ये बात गुजर चुकी है के स्नैक्स में और दूसरे वर्टिब्रेड्स में काफी ज्यादा बोन्स और बैकबोन होते हैं और इनके बोन्स काफी ज्यादा मजबूत हैं जो कि इनकी हैवी बॉडीज जैसे कि क्रोकोडाइल्स के वेट को भी उठाते हैं और क्रोकोडाइल्स के अलावा जो एलिगेटर्स हैं जो कि क्विक भागते हैं उनमें भी ज़्यादा तेज़ भागने का यही राज है कि उनके बोन्स और मसल्स काफ़ी मज़बूत होते हैं इसके अलावा लिज़र्ड्स के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर लिज़र्ड को कोई प्रेडेटर अटैक कर ले या लिजर्ड को टेल से पकड़ा जाए तो इसकी टेल कट जाती है इसकी वजह यह है कि टेल में पाए जाने वाले बोन्स में एक खास किस्म का फ्रैक्चर होता है जिसकी वजह से लेजर अपने टेल को डिटेच करके भाग जाता है और अपनी जान बचाता है इस प्रोसेस को या इस फेनोमेना को ऑटोटोमी कहते हैं बाद में यह टेल नई बना दी जाती है। हमारा नेक्स्ट स्लाइड मूवमेंट और लोकोमोशन से रिलेटेड है एक्चुअली मूवमेंट और लोकोमोशन भी सपोर्ट के टॉपिक में ही शामिल है क्योंकि मूवमेंट बोन्स के बगैर इम्पॉसिबल है कुछ रेप्टाइल्स जो कि तेजी से भाग सकते हैं जैसे कि एलिगेटर्स कुछ लेजर्ड्स और इवन कुछ स्नेक्स भी बहुत तेजी से मूव करते हैं स्नेक्स के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे लोग समझते हैं स्नैक में किसी किस्म का बोन नहीं होता उनकी ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है स्नेक में हेड से लेकर टेल तक बहुत सारे बोन्स होते हैं जो इसकी बॉडी को इंतहाई ज्यादा फ्लैक्सीबल बनाते हैं क्योंकि उसमें जॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं लेजर्ड्स जो कि दीवारों पर और दरख्तों पर चढ़ सकते हैं इनकी ये क्लाइंबिंग एबिलिटी इस वजह से है कि रेप्टाइल्स की जो डिजिट्स हैं उसके ऊपर क्लास या पंजे होते हैं जो कि टाइटली फिक्स हो जाते हैं किसी भी सबस्ट्रेट से और वो आसानी से चढ़ सकते हैं इवन कुछ स्नैक्स को भी वॉल क्लाइंबिंग में देखा जा सकता है क्रोकोडाइल्स चूंकि हैवी जिसामत रखने वाले एनिमल्स हैं इसी वजह से इनका बैक बोन और इनके पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल्स और बाकी बोन्स काफ़ी मज़बूत हैं पेल्विक गर्डल्स वो बोन्स हैं जो कि टांगों को बैक बोन के साथ कनेक्ट करते हैं जबकि पेक्टोरल गर्डल्स हाथों को बैक बोन के साथ टाइटली कनेक्ट करते हैं सबसे स्लो चलने वाले रेप्टाइल्स टर्टल्स हैं जो कि स्लो वॉकर्स हैं लेकिन टर्टल्स बहुत एफिशिएंटली पानी के नीचे तैर सकते हैं इसी के साथ ही आज का लेक्चर एंड करते हैं उम्मीद है कि आपको इससे फायदा हुआ होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग